नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर रिक्रूटमेंट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार की जो वैकेंसी है वो 300 से ज्यादा पदों पर आप लोगों की एमआर की वैकेंसी रहने वाली है। उसके साथ ही अगर आप एसएसआर की बात करें तो लगभग आप लोगों के 3300-3400 के लगभग 3000-3500 के लगभग एसएसआर की वैकेंसी यहां पर देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप इस वाले रिक्रूटमेंट में भर्ती होना चाहते हैं तो अगर आप 10th पास है तो भाई इस वाले रिक्रूटमेंट के लिए 13 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो कट ऑफ रहती है वो स्टेट वाइज कट ऑफ देखने को मिलती है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी पिछली कट ऑफ आप देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि 50 में से जिस बच्चे के 7 या 8 नंबर भी आए थे उन बच्चों को भी पास्ट स्टेज में क्वालिफाई किया गया था। तो इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर कट ऑफ वगैरह कैसे रहती है, किन स्टेटों की कट ऑफ हाई रहती है और हाई कट ऑफ वाले स्टेटों की जो कट ऑफ है वो 50 में से कितने नंबर पर बच्चे क्वालिफाई होते हैं, लो कट ऑफ वाले स्टेट कौन से हैं और कैसे कम नंबर पर इस वाली भर्ती में आप लोग सिलेक्शन ले। तो इन सारी चीजों के बारे में एक ही वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करना। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली इंडियन नेवी अग्निवीर भर्तियों से जुड़ी हर एक अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस बार अग्निवीर के लिए अप्लाई करने वाले हैं और अग्निवीर के लिए अप्लाई करने वाले हैं और तैयारी करना चाहते हैं। आप नेवी अग्निवीर जिसमें एसएसआर और एमआर दोनों की ही अग्रवाल एग्जाम अकाट की काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है, जो कि बिल्कुल संपूर्ण स्टडी गाइड है और पूरे सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से और डिटेल से कवर किया गया है। इसके साथ में आप लोगों को बता दूं अगर आप एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अग्रवाल एग्जाम कार्ड का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में आ चुका है और बिल्कुल सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन एग्जाम को क्रैक करने के लिए यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है जिसमें आपको टोटल 40 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इसका भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड का एक प्रैक्टिस सेट यहां पर आ चुका है जिसमें टोटल आप लोगों को 25 मॉडल पेपर आप लोगों को मिल रहा है और यह एसएसआर के नए पैटर्न पर आधारित सीबीटी एग्जाम पर आधारित है। तो भाई सारी बुकों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन नेवी में जो भी रिक्रूटमेंट आता है चाहे वो एसएसआर का हो या फिर आपका एमआर का हो, एमआर वाला रिक्रूटमेंट केवल 10th पास वाले बच्चों के लिए है। अगर आप 10th पास है तो भाई इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसएसआर की बात करूं तो 12th पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 13 तारीख से आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएंगे और यहां पर आपको हाइट में भी काफी ज्यादा छूट मिलती है। अगर मैं बात करता हूं कि सीबीटी एग्जाम के बाद में आप लोगों की जो कट ऑफ बनती है वो कैसे बनती है, एमआर की बात कर रहा हूं मैं, अगर एमआर की बात करूं तो स्टेट वाइज आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो स्टेट वाइज कट ऑफ बनने वाली है और मैं आप लोगों को बता दूं जो आपका स्टेज पास्ट होगा, स्टेज जो पास्ट आप लोगों का होने वाला है उसमें स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगी। टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होगा और जो बच्चा अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट जो कट ऑफ रही थी पिछली वाली भर्ती की वो रही थी बीआर की और यहां पर बात करें तो 24 नंबर जिस जो बच्चा लेके आया था उसको स्टेज पास्ट में क्वालिफाई किया गया था पिछली एमआर की भर्ती में। जबकि बहुत सारे राज्य ऐसे, राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के लगभग 23 के लगभग गई थी, यूपी की 23 के लगभग गई थी, बाकी बहुत सारे स्टेट है जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों की बात करता हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो इन राज्यों से जो कट ऑफ रही थी वो जिन बच्चों ने 7 से लेकर 10 नंबर भी जो बच्चे स्टेज पास्ट में लेके आए थे उनको क्वालिफाई किया गया था। तो बहुत सारे साउथ के स्टेट है जहां पर भी बच्चों का 15, 17, 18, 22 नंबर जिन बच्चों को स्टेज पास्ट में हासिल हुआ था वो सारे बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। तो काफी अच्छा मौका आप लोगों का। अगर यहाँ पर मैं सिलेबस वगैरह की बात करूं तो इसका जो सिलेबस होता है वो 10th के बेसिस होता है, एज इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसी प्रकार का आपका जो सीए एग्जाम होता है उसी प्रकार का एग्जाम होता है और उसी लेवल का पेपर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो भाई ये वाला रिक्रूटमेंट आप लोगों के सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों को फिर से बता दूं 13 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर आपने इस वाले रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया है तो थोड़े से अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो भाई एमआर में आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं और जिन बच्चों का सपना है मार्कोज कमांडो बनने का वो इस भर्ती में सिलेक्शन लेकर मार्कोज कमांडो बनने का सपना भी आपका पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या आप भी एमआर वाले इस रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।